नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चाको। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। आइए हम आपको दिखाते हैं, कसमाबाद चौराहे पे आप देख सकते हैं पशुओं का मेला लगा हुआ है। हालांकि मामला क्या है, बीच चौराहे पे पशु इतने नाराज क्यों हैं? हमें तो लगता है कि पशु अनशन पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसी राह से गाड़ियों का आगमन है। फिलहाल अगर मानता हूँ कि थोड़ी सी भी सावधानी हटती है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए हम आपको नज़दीक ले चलते हैं और पूरा वीडियो दिखाते हैं। हालांकि ये जो जानवर हैं बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते हैं, इनकी मांगे क्या है फिलहाल मैं वार्ता भी इनसे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। योगी सरकार ने बड़े बड़े गौ आश्रय खोले हैं, फिर भी आवारा पशु मेन चौराहे पर मौजूद हैं, इसका जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? इसका लवारिस है, इसका जिम्मेदार कौन? इसको कोई जिम्मेदार आदमी होता तो ले करके जाता वो गौशाले में जी, उसमें ले जाकर जमा कर देता तो पड़े रहते जी। लेकिन कौन है इसका जिम्मेदार नहीं है ये हम लोग क्या पता। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के कुछ लोग हैं भैया, हम आपसे बात करना चाहेंगे। और चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? बीच चौराहे पे ये आवारा पशु पड़े हुए हैं, इनके लिए हर व्यवस्थाएं जाती हैं, फिर भी हमारा पशु बीच चौराहे पर, क्या लगता है, क्या ये लोग धरने पे हैं क्या? लग तो रहा है कि धरने पे ही है। धरने पे है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? इसकी सरकार ही दोषी है। तो सरकार तो कह रही है कि हम बड़े बड़े गौ आश्रय खुलवाए हैं, वहाँ पे पशुओं को हम अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो कहाँ है वो आश्रय? इसको ले जाने वाला कोई जिम्मेदार आदमी होगा, वो की जिम्मेदारी में बनती है? इसके लिए हर व्यवस्था रखी गई है चाचा जी। तो है तो उसको पकड़ा जाए ना, कि जो है उसकी सैलरी लेता है, काम नहीं करता है, उसका जिम्मेदार तो है। चले, युवा पीढ़ी के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को एक व्यवस्था सुदृढ़ कराए, उसके प्रति जागरूक हों। अगर मान लीजिए अभी आ रहे थे इसी राह से, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, तो आप फिर क्या करते? क्या करते? हॉस्पिटल जाते? ओके। फिर आपके वजह से कोई और दुर्घटना हो जाती, गाड़ी इनमें डिसबैलेंस होती, ओवरटेक होता, फिर यहाँ कई ठो बवाल हो जाता, फिर रोड जाम करते। यही लोग रोड जाम करने के लिए आते, फिर इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे, एक बार फिर से बता दीजिए। जिम्मेदार इसके जो भी अधिकारी है वही जिम्मेदार है। चलिए मैं पशुपालन विभाग के अधिकारी को मैं सचेत रहा हूँ, आप इस मामले को गंभीरता से लें और इन पशुओं को ठिकाने पे पहुँचाएं। यहाँ जनता है, क्या कहना चाहेंगे भैया? स्वतंत्र है जनता। भैया क्या यहाँ पशु रोज आते हैं क्या चौराहे पे? जी नहीं नहीं, मैंने कई बार देखा है आप। देखिए जो सच्चाई है उसी को बताएंगे आप जी। मान लीजिए कि बराबर तो कोई जगह नहीं कि यहीं बैठे, कहीं भी बैठ जाते हैं, अपना आसन कहीं लगा लेते हैं जी जी। अब इसको कौन देखता है, समय मौके पर यहीं पर है। आप देख सकते हैं ठीक जहाँ पे पशु बैठे हुए हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी खड़ी हुई है। आइए हम आपको ले चलते हैं जनता जनार्दन से बात करते हैं। अगर हम अपने घर में ये पशु को छोड़ दे रहे हैं जी जी। इसका दूध खा करके इसको छोड़ दे रहे हैं, ये हमारी गलती है, जनता की गलती है कि प्रशासन की गलती है? जो मीडिया है ना ये सिर्फ जो है एक तरह से छलावा है, लोगों को जो है सही चीज बताइए कि जनता की गलती है। जनता क्यों छोड़ती है उनको? छूटा दूध हम देते हैं, क्यों छोड़ते हैं वहाँ ले जाए? चलिए खुशी हुई, लेकिन चाचा एक आदमी अगर समाज में सुधार लाएगा, इसमें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब सुधरेंगे खुद, जब सुधरेंगे दूसरा देखकर सुधरेगा। ये थोड़ा नहीं है कि हम प्रशासन को सुधारने चाहिए, लोग हमको सुधार देंगे। गौ माता की बहुत बड़ी समस्या है, यहीं की मैं बात नहीं कर रहा। समस्या हमारी है, जनता की है। जनता जो है कोई काम करना ही नहीं चाहती है, कहती है कि हमको रोजगार नहीं है। आज चार पशु रखिए, वहाँ जो है 50 रुपया लीटर 60 रुपया लीटर दूध बिक रहा है, क्यों हम दूसरे का काम करने जाते हैं, क्यों नहीं इसको करते हैं? चलिए यहाँ गौशाला खुला हुआ है, इस छुट्टा पशु को वहाँ लेकर दें। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बेहद ऐसे ही आप जैसे लोग समझदार हो जाए तो पूरी भारत का सिस्टम ही बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।